नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट टॉक शो पर। मैं हूं आपका दोस्त सचिन पाठक, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल क्रिकेट टॉक शो। दोस्तों आज की वीडियो में डेडिकेट किया है मानव कुमार सिंह ने, जिन्होंने बोला भाई SRH पर वीडियो बनाइए। दोस्तों मैं SRH पर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि SRH की क्या रह सकती थी ऑल टाइम प्लेइंग 11, जो कि हमने मिशअप की है डेक्कन चार्जर्स प्लस SRH को मिलाकर। क्योंकि दोस्तों डेक्कन चार्जर्स आगे चलकर SRH की टीम बन गई थी, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद बन गई थी। और दोस्तों आप भी चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो दोस्तों कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट पे ही मैं वीडियो बनाता हूं, जैसे कि मानव कुमार सिंह की ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। और दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने उन्हीं प्लेयर को इस टीम में पिक किया है जिन्होंने हैदराबाद या फिर डेक्कन चार्जर्स के लिए अच्छा परफॉर्म किया है, जिनके आंकड़े हैदराबाद और डेक्कन चार्जर्स के लिए अच्छे रहे हैं दोस्तों, तो मैं उन्हीं प्लेयर को पिक करने वाला हूं। तो दोस्तों अब चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू बिना किसी देरी के। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ओपनर्स की। तो ओपनर्स में मैंने पहले ओपनर रखे हैं डेविड वॉर्नर, जो कि लाजमी सी बात है अगर हैदराबाद की प्लेइंग 11 बनानी है तो इनको रखना ही पड़ेगा। दोस्तों 93 मुकाबले इन्होंने टोटल खेले हैं हैदराबाद की तरफ से, और दोस्तों इन्होंने रन बनाए 4012 रन। और दोस्तों अगर एवरेज की बात करें तो इनका एवरेज रहा 50.78 का। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 142.83 का कमाल का स्ट्राइक रेट रहा है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों इनका रहा 126 नॉट आउट। 50s और 100s की बात करें दोस्तों इन्होंने 40 अर्धशतक और 2 शतक लगाए हैं दोस्तों। अब दोस्तों इनका जो साथ देने वाले हैं वो भी हैं इनके जोड़ीदार शिखर धवन। दोस्तों इन्होंने जो मैच खेले हैं वो 114 मैचेस हैदराबाद और डेक्कन चार्जर्स को मिला के खेले हैं, जिसमें दोस्तों इन्होंने रन बनाए 3487 रन। एवरेज की बात करें दोस्तों 35.19 की एवरेज रही है। स्ट्राइक रेट 125.65 का रहा है। और दोस्तों अगर इनके बात करें दोस्तों अर्धशत की बात करें 26 इन्होंने टोटल 50s लगाई हैं। अब दोस्तों जो तीन नंबर पे खिलाड़ी आने वाले हैं उनको मैंने रखे केन कंसिस्टेंस विलियमसन। दोस्तों इससे जो है बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन जाता है हैदराबाद की टीम का। दोस्तों अब बात करें तो उनके आंकड़े की, तो 57 मुकाबले इन्होंने टोटल खेले हैं, 1747 रन इन्होंने बनाए हैं। एवरेज की बात करें 41.60 की अच्छी कमाल की एवरेज रही है। अब दोस्तों इनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो 134.18 का कमाल का स्ट्राइक रेट भी रहा है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 89 नॉट आउट इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया है। 16 अर्धशतक इन्होंने जड़े हैं अब तक IPL में हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए। दोस्तों नंबर 4 पे मैंने रखा है रोहित शर्मा को। दोस्तों SRH का मिडल ऑर्डर हमेशा से ही स्ट्रगल करता आया है, जो कि आपको इस वीडियो में भी नज़र आने वाला है। दोस्तों रोहित शर्मा ने टोटल 45 मुकाबले खेले हैं हैदराबाद की टीम के लिए और 1170 रन बनाए हैं। अब दोस्तों एवरेज की बात करें 30.79 की एवरेज रही है। स्ट्राइक रेट की बात करें 131.46 का स्ट्राइक रेट भी रहा है। 8 अर्धशतक लगाए हैं, 76 नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए। दोस्तों ये वही टीम जिसमें खेलते हुए रोहित शर्मा ने जो है हैट्रिक ली थी। शुरुआत में दोस्तों ये बैटिंग ऑलराउंडर की तरफ से एक भूमिका निभाई थी इन्होंने, जिसमें दोस्तों इन्होंने 45 मुकाबले खेले हैं, 14 विकेट इन्होंने चटकाई थी। एवरेज की बात करें 24.27 की इनकी जो है एवरेज रही थी। अगर दोस्तों इनके बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 विकेट लिए थे 6 रन देके कमाल के, और अगर इनकी इकोनॉमी की बात करें तो 7.37 की कमाल की इकोनॉमी रही थी। अब दोस्तों अपनी टीम को कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि विकेट कीपर की। अब दोस्तों मैंने उसमें रखा है रिद्धिमान साह को। अब या तो आप रिद्धिमान साह / रोहित शर्मा को पिक कर सकते हैं, या फिर मनीष पांडे / रिद्धिमान साह को पिक कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों रिद्धिमान साह की औसत सिर्फ 19 की रही है IPL में हैदराबाद की टीम से खेलते हुए। दोस्तों अब इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप किसके साथ जा रहे हो। अब दोस्तों इस लिस्ट में हमने नंबर 5 पर रखा है मनीष पांडे को। दोस्तों इन्होंने 48 मुकाबले टोटल खेले हैं, 1246 रन इन्होंने बनाए हैं। मनीष पांडे की औसत काफ़ी अच्छी रही है हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए, 34.61 की कमाल की औसत रही है। वहीं दोस्तों स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहा है, 124.85 की स्ट्राइक रेट रही है। 83 इनका नॉट आउट बेस्ट स्कोर रहा है। 11 अर्धशतक इन्होंने जड़े हैं हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए। अब दोस्तों नंबर 6 पे मैंने रखा विजय शंकर को। तो विजय शंकर के अगर आंकड़ों की बात करें तो एकदम डिसेंट जो है आंकड़े नज़र आए हैं, ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं और ज़्यादा अच्छे भी नहीं नज़र आए। दोस्तों मैचेस की बात करें 33 मुकाबले टोटल उन्होंने खेले हैं, 8 विकेट निकाली हैं,
और एवरेज की बात करें 31.50 की एवरेज रही है। और दोस्तों बात करें इकोनॉमी के 7.89 की ठीक ठाक इकोनॉमी नज़र आई है। दोस्तों बेस्ट की बात करें दो विकेट ली हैं 19 रन देकर। और दोस्तों अगर इनकी बैटिंग में बात करें तो 33 मुकाबलों में 500 रन इन्होंने बनाए हैं। एवरेज की बात करें 21.74 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 120.19 का स्ट्राइक रेट रहा है। दोस्तों दो अर्धशतक लगाए हैं, बेस्ट इनका रहा है 63 नॉट आउट, जो कि एकदम डिसेंट स्कोर माना जा रहा है। दोस्तों जब आप हैदराबाद जैसी टीम को देखते हो तो इसमें आपको लोअर ऑर्डर हिटर ऑलराउंडर नहीं मिलता, जिसमें दोस्तों अगर मैंने कोशिश की है राशिद खान को इसमें नंबर सात पे खिलाने की, उन्होंने 69 मुकाबले खेले, 85 विकेट ली हैं, 20.11 की कमाल की औसत भी रही है, 6.24 की इकोनॉमी भी रही है दोस्तों। और बेस्ट इन करा है, 3 विकेट निकाले हैं 7 रन देकर। और दोस्तों नंबर 8 की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार मैंने इस टीम में पिक किए हैं, जो कि इस टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं। दोस्तों 95 मैच के लिए 115 विकेट इन्होंने निकाली हैं। एवरेज की बात करें 23.54 की एवरेज रही है। इकोनॉमी की बात करें 7.49 की इकोनॉमी रही है। बेस्ट की बात करें दोस्तों इनका 5 विकेट लिए हैं 19 रन देकर। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मजबूत इनका जो है बॉलिंग स्टैट नज़र आ रहा है। अब दोस्तों अगर बात करें नंबर नौ पे मैंने रखे हैं डेल स्टेन को। दोस्तों 61 मुकाबले टोटल रहे हैं, 65 विकेट निकाली हैं, बेस्ट रहा है दोस्तों 3 विकेट निकाली हैं 8 रन देकर। और एवरेज की बात करें 24.13 की कमाल की एवरेज रही है, 6.64 की इनकी जो है इकोनॉमी में रही है। दोस्तों अब दोस्तों हैदराबाद की टीम अगर हम देखते हैं तो अगर हम टॉप ऑर्डर में ही जॉनी बेस्टो को पिक कर लेते तो हम डेल स्टेन को पिक नहीं कर पाते, जिससे एक गति वाले बॉलर की ज़रूरत पड़ती है हैदराबाद की टीम में, जो कि दोस्तों हमें नहीं मिल पाते। तो मैंने डेल स्टेन को इस टीम में पिक इसलिए किया है। अब दोस्तों नंबर 10 की बात करें तो मैंने इस टीम में रखा है प्रज्ञान ओझा को, जिसमें दोस्तों उन्होंने मुकाबले खेले हैं 54, 60 विकेट दोस्तों इन्होंने निकाली हैं। एवरेज दोस्तों 22.13 की कमाल की एवरेज रही है। इकोनॉमी की बात करें दोस्तों 7.13 की कमाल की इकोनॉमी भी रही है, अच्छी मानी जाती है टी ट्वेंटी मैचों में। और दोस्तों बेस्ट इनकी बात करें तो 3 विकेट निकाले हैं, 21 रन देकर, ये भी काफ़ी अच्छा स्टार्ट इनका रहा है प्रज्ञान ओझा का। अब दोस्तों नंबर 11 पे मैंने इस टीम में पिक किया है टी नटराजन। दोस्तों इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है खेलने का, लेकिन फिर भी दोस्तों डेथ स्पेशलिस्ट हैं, जो कि डेथ में आके यॉर्कर सकते हैं। दोस्तों मैचेस की बात करें तो 18 मुकाबले टोटल उन्होंने खेले हैं, 18 विकेट निकाली हैं, एवरेज काफ़ी ज़्यादा हाई रही है, 31.83 की एवरेज रही है। इकोनॉमी की बात करें तो अच्छी खासी इकोनॉमी, क्योंकि ज़्यादातर डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो क्योंकि 8 की इकोनॉमी इनकी रही है। दोस्तों बेस्ट की बात करें 2 विकेट निकाले हैं, 24 रन देखे, अच्छा स्टैट माना गया है, वो भी दोस्तों खासकर जब ये डेथ में बॉलिंग करते हैं। दोस्तों यह थे उन 11 प्लेयर जो हैदराबाद की टीम से मैंने पिक किए ऑल टाइम प्लेइंग 11 के रूप में। दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें कौन से प्लेयर की कमी है, और कौन सा प्लेयर मुझे आपको लगता है कि इसमें और होना चाहिए था, या फिर इस प्लेयर को इस टीम में नहीं होना चाहिए था, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर चाहते हो आपके अगली वीडियो आपके टॉपिक पर बनाई जाए तो दोस्तों कमेंट करते रहिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। दोस्तों यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।